हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुकिंग हॉबीज में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू का चिप्स, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने आलू लिया है, इसको अच्छे से धो लिया है ताकि जो ऊपर गंदगी लगी रहती है वो पूरा साफ हो जाए। अब इसको छीलेंगे, छील करके पूरा छिलका हटा देंगे इसका। ये देखिए, पूरा आलू मैंने छील लिया है। अब चिप्स कट कर लेते हैं। एक बर्तन में पानी लेंगे, इसके ऊपर चिप्स कटर रखेंगे और एक आलू लेंगे और इस तरीके से कट करके चिप्स बना लेंगे। इसी तरीके से पूरा आलू काट करके चिप्स बना लेंगे। तो ये देखिए, पूरा आलू मैंने काट लिया है। ये देखिए कितने अच्छे पतले पतले से चिप्स बने हैं। अब इसका पूरा पानी हटा देंगे जालीदार बर्तन में रख के, और फिर इसको एक दो बार और अच्छे से धो लेंगे, साफ कर लेंगे धो के। तो ये देखिए, धो लिया है मैंने। अब इसको उबालना है, तो इसके लिए एक बर्तन में पानी गरम करेंगे। इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, चला देंगे नमक, मिक्स कर देंगे पानी में। अब पानी में जो आलू का चिप्स काट के रखे हैं डाल देंगे, आधा डालेंगे। अगर बड़ा बर्तन रहे तो एक ही बार में पूरा उबाल सकते हैं, अगर छोटा रहे तो आधा आधा करके डालें। और इसको चला करके 1 मिनट तक पका लेंगे। बहुत हल्का सा पकाना है इसको, ज़्यादा नहीं पकाना है। तो ये देखिए, आलू की चिप्स हमारी पक गई है। बस इतना ही पकाना है इसको। गैस ऑफ कर देंगे और एक बर्तन लेंगे, उसके ऊपर जाली वाला बर्तन रख देंगे और चिप्स इसमें पूरा निकाल लेंगे। तो अब बाकी का जो बचा हुआ चिप्स था उसको भी उबाल लेते हैं। यही पानी यूज कर लेंगे। अब 2-3 बार यही पानी यूज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा रहे तो फिर आप दूसरा पानी चेंज कर लें 2-3 बार यूज करने के बाद। थोड़ा सा इसमें नमक डाल करके चला देंगे और बाकी का जो चिप्स था पूरा इसमें डाल देंगे और इसको भी थोड़ा सा बस पका लेंगे। पूरा चिप्स पका लिया है मैंने। इसको भी जाली वाला बर्तन में निकाल लेंगे। पहले वाला थोड़ा ठंडा हो गया है, पहले उसको सुखाएंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे।
अब एक साफ कपड़ा लेंगे और इस तरीके से पूरा चिप्स कपड़े पे फैला लेंगे और फिर इसको पूरे दिन भर के लिए धूप में रख लेंगे सूखने के लिए। दूसरे दिन भी आप थोड़ा सा इसको 2-3 घंटे के लिए धूप में रख दे तो और अच्छा भी सूख जाएगा। तो ये देखिए 2 दिन मैंने इसको सुखाया है धूप में, एकदम अच्छे से सूख गई है चिप्स। तो इसको जब भी यूज करना हो ऑयल गरम करिए और चिप्स उसमें डाल करके तल लीजिए, फिर उसमें थोड़ा सा ऊपर से काला नमक छिड़क करके चाय के साथ सर्व करिए, सबको बहुत पसंद आएगी। अब हमारा आलू का चिप्स बन करके तैयार है। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।